চলে দেখো দেখি কেতনা সারা আম হে ইধর পে ভি দেখি ঢের সিম্বু बड़ी बड़ी साइज का ना इतने सारा आम मुझे मिला है और इससे मैं आज के आम की दाल बनाऊंगी। और अभी तो आम की सीजन है और हमारी आम के पेड़ ना एक साल आम देती है और एक साल पूरा मतलब बंद। इस साल जैसे कि आम हुए हैं ना तो नेक्स्ट ईयर आम ही नहीं होंगे, तो ऐसा ही होता है हमारे पेड़ पे। और अभी तो थोड़ा और बड़े होंगे तो उससे अचार वगैरह बनाने में बहुत टेस्टी बनेंगे। तो ये तो आम का पेड़ और आप लोग जो जो भी आम खाना चाहते हो आ जाना हमारे घर, ठीक है। तो चलिए अभी नीचे चलती हूँ और जब किचन में बनाऊंगी तब मैं दिखाऊंगी आम की दाल में कैसे बनाती हूँ, मतलब खट्टा खट्टा आम की दाल, देखूँगी खट्टा होती भी है या फिर नहीं। चलिए, और इससे भी बहुत छोटे छोटे भी थे लेकिन वो नहीं लिया है। और ऊपर की तरफ देखिए, मैं उंगली नहीं दिखा रही हूँ इधर पे, ढेर सारा मतलब बीच बीच में ना बहुत आम हुई है। और अभी तूफान आएंगे सीजन की वजह से, बारिश ये वो, और बहुत सारे आम अभी भी गिर जाएंगे। और इस तरफ उतना ज़्यादा नहीं हुआ है क्योंकि एक साथ दो पेड़ है ना आम की पेड़। देखिए तुम्हारे हाथ जावे आम है, हाथ देखी है चले गए। अरे हाथ दो ना बेसि जोड़े, छिरे पोड़े जाए। और इधर पे देखिए पत्ता नहीं है, डाल डाल के ऊपर आम हुई है, मतलब गजब चीज है ना। पत्ता नहीं है लेकिन आम है। चलो, तो छत से आने के बाद तो मैंने मेरे सारे पेट्स को खाना दे दिया है और पीछे लगेज आप लोग देख सकते हो मैंने अभी तक खाली नहीं किया है, वैसे का वैसे ही पड़े हुए हैं। और फिलहाल तो अभी मैं नीचे आ चुकी हूँ और अभी मुझे किचन में अंदर जाना है, घुसना है, खाना बनानी है। और अभी मैं लग जाऊँगी जल्दी से खाना बनाने के लिए। कुछ कुछ सामान इधर पर आप लोग देख सकते हो, मेरे हस्बैंड ने जो भी सारे घर पर ज़रूरत थे मैंने मेरे हस्बैंड को बोली तो वो सब कुछ लेके आ गए, चावल दाल सब कुछ जो बेसिक से सामान होती है। और अभी चलिए किचन में भी मैं जाऊंगी और आज आम की दाल बनाऊंगी। और बंगाली लोग ज़्यादातर किस तरीके से दाल बनाती है आई डोंट नो, बाकी लोग कैसे बनाते हैं, हमारे घर में जैसे बनाते हैं वो मैं दिखाऊंगी। छोटे छोटे आम हैं मतलब खुद के पेड़ के, तो जैसे भी बनाएंगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो चलिए, और इतना टैन हो गई है ना, बिल्कुल डल सी लग रही है चेहरा, कब सही होंगे कुछ पता नहीं चल रहा। सामान ख़त्म हो गए थे, जो ज़रूरतमंद सामान है थोड़ी बहुत वो ही ला के दिया है। तो इधर पे कुछ सब्जियां है और उसके बाद आलू प्याज कुछ मसाले, यही सारी चीज़ें जो घर में मतलब किचन में इस्तेमाल होती है ना, जो बेसिक सी चीज़ें वही कुछ चीज़ें जो इधर पर मतलब मेरे हस्बैंड ने ला के दी। तो चलिए किचन में चलती हूँ, दिखाती हूँ। मैंने ऑलरेडी चावल चढ़ा दिया है, दाल भी चढ़ा दिया है, तो देखती हूँ दाल बॉइल्ड हुई है या फिर नहीं। तो चलिए किचन में। तो इधर पे चावल बन रही है और इस तरफ दाल भी मैंने बॉइल होने के लिए डाल दिया है और बॉइल करीबन हो भी चुकी है। तो चलिए बाकी का इंतज़ाम मैं कर लेती हूँ एंड दाल का रेसिपी मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और वन सेकेंड, हाथा कहाँ पर है? हाँ, वन सेकेंड, मैं कैमरा को थोड़ी सी पकड़ लूँ। ये देखिए दाल भी करीबन बॉयल हो चुकी है। आई थिंक मैंने पानी ज़्यादा दे दिया है, जो भी हो गाढ़ा दाल बनाऊंगी आज मैं, गाढ़ा गाढ़ा दाल। मुझे ना पतला दाल खाना बिल्कुल पसंद नहीं आती।
ये देखिए सारे मसाले ना ख़त्म हो गए थे क्योंकि हम बाहर चले गए थे, तो अभी मैं सारे फिलअप कर लूँगी। और एक टिप्स भी मैं बता देती हूँ, जो भी सारे ऐसे पैकेट में बच जाते हैं ना, वो आप लोग फ्रीज़र पे रख दीजिए। तो फ्रीज़र पे जितने भी एक साल भी आप रख देंगे ना, तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है सारे मसाले। तो ये सारे मसाले भी मैं फ्रीज़र में रखने वाली हूँ। तो बहुत दिन तक फिर चल जाते हैं। गरम मसाला इस पे मैं डालती हूँ। चलिए इसमें थोड़ी देर बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो सुबह जो सारे आम मैं छत से लेके आई थी ना, तो ये सारे आम अभी मैं काटूंगी। पता नहीं इससे खट्टापन दाल में आएंगे या फिर नहीं, लेकिन फिर भी मैं इसको दाल के अंदर दूंगी। तो चलिए मैं काट लेती हूँ, फिर मैं कैमरा के सामने आती हूँ। तो मसूर की दाल तो मैंने बॉईल कर लिया है, तो अभी इसके अंदर मैं सरसों का तेल ऐड करूँगी। ठीक है, तो गाइस इधर पे मैंने सरसों का तेल गरम होने के लिए रख दिया है कढ़ाई पे, और दाल भी इस तरफ बॉईल हो चुकी है। तो अभी स्टार्ट करती हूँ मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करना आम की दाल की। ठीक है, और इधर पे मैं दिखा देती हूँ, आम भी मैंने ऐसे छोटे छोटे पीसेस में छिलके उतार के अंदर जो एक बीज रहते हैं ना, उसको भी ये देखिए, ये वाइट वाइट कलर के बीज रहते हैं, उसको मैंने निकाल के नमक वाले पानी में मैंने भिगो के रखा है, ताकि जो ब्लैक हो जाती है ना कॉश की वजह से, तो इसलिए मैंने इस तरीके से निकाल के रख दिया है। ओके, तो चलिए अभी जो है ऑयल भी गर्म हो चुकी है। इसमें आप लोग सूखे लाल मिर्च भी दे सकते हो, बट मेरे पास अभी नहीं है, तो मैं इधर पे ग्रीन चिली मैं ऐड कर रही हूँ, और इधर पे मैं ऐड करूँगी सरसों। ठीक है, ये देखिए ये सरसों मैं ऐड करूँगी। फिर मैं इसके अंदर थोड़ी सी मतलब छौंक लगाने के लिए ना, अरे बाप रे, इसमें आम ऐड कर दूंगी, सारे आम। ठीक है, अभी मैं इसके अंदर थोड़ी थोड़ी करके हल्दी पाउडर, वन सेकेंड, इधर पे मैं थोड़ी सी हल्दी पाउडर लूंगी, ऐड कर दूंगी, नमक लूंगी, ऐड कर दूंगी। ठीक है, और इसको मिक्स करूंगी, क्योंकि दाल पे भी मैंने नमक हल्दी कुछ भी ऐड नहीं किया है। और इसको एक दो मिनट के लिए ऐसे ढक के रख दूंगी। तो एक डेढ़ मिनट हो चुकी है। ठीक है, अभी मैं इसके अंदर ये जो बॉईल की हुई दाल है ये भी ऐड कर दूंगी। मिक्स कर लूँगी और अच्छे से उबाल मतलब बॉईल करूँगी, ताकि आम भी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए और दाल जितना कच्चा है वो भी थोड़ी सी और पक जाए। ठीक है, और लास्ट में मैं इसमें थोड़ी सी बैलेंस करने के लिए चीनी भी ऐड करूँगी, क्योंकि खट्टे मतलब हमारे घर पे सारे खट्टे रेसिपी पे थोड़ी बहुत चीनी भी ऐड करती है, ताकि इसका जो स्वाद है वो बैलेंस रहे, बिल्कुल खट्टा भी ना रहे और नमक भी ज़्यादा ना लगे, तो इस वजह से। तो चलिए ये बॉयल होती रहे, मैं थोड़ी देर वेट करूँगी अभी ढक के 5 मिनट के लिए। तो दाल तो बॉयल हो चुकी है। ठीक है, और आम भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है, और अभी मैं इसके अंदर थोड़ी सी चीनी ऐड कर दूँगी। और पूरा किचन ना मैस हो के रखी है, क्या करूँ मैं भी। और अभी मैं और भी इसको बॉयल करूँगी, आम और भी बॉयल होंगे, तो मैं ढक के रख देती हूँ, और जब फाइनल हो जाएंगे तब मैं आप लोगों के साथ दिखाती हूँ, शेयर करती हूँ। और इधर पे मैंने चावल भी अच्छे से मतलब पानी झरा लिया है, ये देखिए खिले खिले चावल बनके रेडी है। अरे कुछ वाइट वाइट दिख रही है पूरा, तो जो भी हो बाद में मैं दिखा दूँगी। तो गाइज इधर पे डॉलर की चिकन, जो कि अभी मैं बॉयल होने के लिए रख दिया है, और इस तरफ है हमारी चिकन, हमारी मतलब जो बनाएंगे हम उस लिए। और इधर पे मैं दे दूंगी अदरक लहसुन, ठीक है, प्याज, उसके बाद सारे मसाले ऐड करूंगी,
फिर ऑयल ऐड करूँगी, ऑयल कहाँ गई। तो ये सब मैरिनेट करके 10-15 मिनट के लिए मैं छोड़ दूँगी, फिर मैं इसको गैस पे अच्छे से पकाऊँगी, तो बस हो जाएंगे रेडी। चलिए अभी मैं सारे मसाले भी ऐड कर देती हूँ इसमें, फिर मैं आती हूँ मैरिनेट करके। और इस तरफ हो रही है डॉयल का चिकन बॉयल। तो इस तरफ मैंने सारे मसाले देके चिकन को अच्छे से मैरिनेट कर लिया है और 10 मिनट करीबन हो भी चुके हैं। और इस तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है और मैं गर्म होने के लिए रख दिया है। अभी इसके अंदर मैं ऑयल ऐड करूँगी पानी सूख जाने पे, फिर मैं क्या देती हूँ वो मैं दिखाती हूँ। चलिए तो इस तरफ तेल भी गर्म हो चुकी है और आलू मैंने काट के रखी थी चिकन में देने के लिए, तो वो भी फ्राई करने के लिए दे दूँगी। हल्की सी मैं फ्राई कर लूँगी। और इधर पे डॉलर की चिकन भी हो चुकी है रेडी। चलिए मैं इसको चलाती हूँ। इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ी सी हल्दी पाउडर, बस थोड़ी सी मैंने दिया है। आलू तो फ्राई हो चुकी है और अभी मैं इसके अंदर तेज पत्ते, गरम मसाले जो भी होती है, दालचीनी, इलायची, लौंग सब मैंने दे दिया है। ठीक है, अरे बाप रे फूट रही है। अभी मैं इसके अंदर चिकन ऐड कर दूंगी। ठीक है, तो अभी मैं इसके अंदर टमाटर भी ऐड कर दूंगी, दो छोटे साइज की टमाटर, ये आलू हल्की सी फ्राई की हुई। और अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। क्या क्या खाना बनाई हूँ वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। इधर पे है प्लेन राइस, इधर पे है आम की दाल, ठीक है, वन सेकेंड, अंधेरा अंधेरा सी आ रही है, और वन सेकेंड, उससे पहले ये दिखा दूँ। इधर पे मैंने बनाई है चिकन कौशा, बंगाली स्टाइल चिकन कौशा। इधर पे है पापड़, नेक्स्ट मैं दिखाती हूँ बेबे चटनी, ओके, आम सत्तू एंड टमेटो की चटनी, पापड़, और बेबे दाल, चावल, चिकन, बस यही है सिंपल सी राना। और ये सारे सामान अभी मुझे समेटना है और बाकी खाना बनाने की सब कुछ हो गई है। और बेबे डॉलर की चिकन जो कि अभी डॉलर खाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने सुबह से वीडियो तो स्टार्ट की बट दोपहर के बाद से मैं और कंटिन्यू नहीं कर पाई, और अभी शाम के टाइम हो रही है और ऐसा कुछ और नहीं भी है कि मैं शेयर करूँ आप लोगों के साथ। फिलहाल तो अभी मैं हेयर ऑयलिंग करने वाली हूँ और वो भी मेरे हस्बैंड को मैं बोलूँगी थोड़ी सी बालों पे चम्पी करने के लिए, और डॉलर पीछे घूम रही है, आप लोग देख सकते हो। तो जो भी हो, आप लोग बार बार बोलते हो कि दी आप रेसिपी शेयर कीजिए, आपका डेली ब्लॉग शेयर कीजिए, हम लोग को पसंद आती है, तो मुझे लगा चलो एक छोटा सा ब्लॉग काइंड ऑफ वीडियो क्यों ना शेयर करूँ। और आज मैंने यही कुछ रेसिपी बनाई थी और डॉलर पीछे बदमाशी करने जा रही है। तो आज की वीडियो ज़्यादा तो मैं नहीं खींचूँगी, आज का वीडियो बस इतना ही। अगर थोड़ी सी भी पसंद आए मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, सी यू। और कैसा मतलब डल डल सी लग रही है चेहरा।